आज आप पढ़ेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल होगा तो हम किस तरह इसका एरिया निकालेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल खींचूंगा, ये हो गया रेक्टेंगल। अगर हम ले लेंगे मिसाल के तौर पर ये 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 5 होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर है यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो इसका एरिया हम निकाल, जैसे एरिया के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है रेक्टेंगल को या ट्राइंगल को निकालने के लिए, वो है एल इंटू पी। बहुत आसान है, लैंग्वेज इंटू ब्रेथ काम करेंगे तो हमारे पास खुद ब खुद इसका एरिया आएगा। जैसे अगर हम दूसरे तरीके से भी दिखाएंगे आपको, तो ये 4 सेंटीमीटर लंबा है, तो लंबा है ये 5 और चौड़ा है ये 4। तो यहाँ पर हम 5 लाइन दे देंगे, अगर हम इस तरह भी काउंट करेंगे तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। लेकिन ये तो जब हम बड़े बड़े जमीन पर जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, तो ये मुश्किल होता है काउंट करना। वरना हम काउंट करते हैं, देखो आप करो 20 सेंटीमीटर इसका एरिया, क्योंकि ये जो डब्बा होता है ये 1 सेंटीमीटर हर तरफ से होता है, यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ। तो इस तरह हम कह सकते हैं और भी कि इसका एरिया कितना है जो हमने काउंट किया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, शुक्रिया। लेकिन अगर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब बड़ा में बड़ा क्वेश्चन होता है तो हम ये काउंट नहीं कर सकते, इसलिए फार्मूला के आसानी के साथ इसको हल कर सकते हैं। जैसे एल हमारे पास है लेंथ 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 4, तो इसका हम टेबल कराएंगे 4 × 5 = 20। तो इसका क्या आंसर निकला, तो इसका एरिया बन गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर भी नहीं। अगर अब हमारे पास बड़ा क्वेश्चन होगा तो जैसे मैं यहाँ पर एक और दे दूंगा, इसकी लेंथ मान लीजिए 200 है, तो इसकी ब्रेथ है 90, तो इसका हम काउंट नहीं कर सकते, यहाँ पे और टाइम लगेगा। तो इसीलिए हम ये फार्मूला इसको अप्लाई करेंगे एल इंटू बी। तो एल इसका हो गया 200 लेंथ और ब्रेथ हो गई 90। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से पहले करेंगे 0 × 0 = 0 × 0 = 0। जैसे पहले बच्चों 0 से जब भी हम किसी रकम को किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 बनता है, इसलिए 0 × 0 = 0। तो यहाँ पर 1 को छोड़िए, क्योंकि 1 का 1 से हमने किया है 9 × 0 = 9 × 0 = 9 × 2 = 18। तो इसका हम अब हम प्लस करेंगे 0 0 0 8 1 1 10 10 10 10, वो हमारा एरिया कितना निकला 18,000। तो इस तरह हम इसी फार्मूला को अप्लाई करके ऐसे सवाल हल करते हैं, न कि काउंटिंग करके। क्योंकि यहाँ पर छोटा सवाल था, यहाँ पर बड़ा था, बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसको फार्मूला लगाकर इसका एरिया निकाल लिया। बस अच्छा।